पानीपत में ईरानी गैंग का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। नकली पुलिस बनकर लोगों को ठगने वाले गिरोह ने आज सेठी चौक पर एक और वारदात को अंजाम दिया। राजस्थान के जयपुर जिले से पानीपत में कपड़ा खरीदने आए व्यापारी जगमोहन से बैग चेकिंग के नाम पर 1,00,000 से अधिक रुपए लेकर लुटेरे फरार हो गए। लूट का ये सारा मामला एक CCTV कैमरे में कैद हो गया। CCTV में आप देख सकते हैं कि कैसे दो युवक व्यापारी के पास आते हैं और खुद को पुलिस बताकर जांच के लिए उसे साइड में ले जाते हैं। सुबह सुबह 3 लोग आए थे तो उन्होंने मेरे से बोले, मैं थाने से हूँ, जो यहाँ के थाने के नाम लिया मेरे को, पानीपत थाने से आया हूँ, तो तुम्हारे हाथ में जो बैग है तो उसका चेकिंग कराओ, उसमें कोई हथियार तो नहीं है, चुनाव का टाइम है, ये है। उन्होंने खूब बात ऐसी बोली। उन्होंने फिर मैंने उनको बैग चेक कराया तो एक और व्यापारी था तो उसका भी चेक किया, वो उनके साथ में मिली भगत थी और मुझे ये नहीं मालूम था भाई ये वैसे लोग हैं, तो मैंने बैग चेक करा दिया तो उन्होंने मेरे जेब में पैसे थे तो उन्होंने बोले पैसे बैग में रखो आप, तो मैंने मना कर दिया, तो उन्होंने ज़बरदस्ती पैसे निकाल के बैग में रखने की कोशिश करी, तो बैग में रखे नहीं उन्होंने, अपनी जेब में डाल के पैसे लेकर रवाना हो गए। 1,10,000। 1,10,000। और आप कब से यहाँ पानी बता रहे हैं? मैं आते मेरे को आज 15-16 साल हो गए, मेरे पापा भी आते थे, अब 5 साल से मैं आ रहा हूँ। कहाँ से हुआ? जोटवाड़ा जयपुर से आया हूँ। उसने मेरे को बोला तेरे बैग में पैसे रख दिए, एक और आया था जो उसको पकड़ के लेके गया था, वो बोला मैं इसको लेके जा रहा हूँ थाने में। जब नंबर दे रहा था ना पूछता, आप पूछ सकते थे उसको? बिल्कुल पूछा था, उसने बोला मेरे पास ये कार्ड है देख ले, कार्ड में लिखा हुआ था, मेंशन था, उसने एक फर्जी कार्ड बना रखा था, इतना सा आईडी कार्ड था, तो मैंने देखा हो सकता है पुलिस में होगा। दिखने में फुटेज में जो है वो देख लो आप, एक गोरा है, चश्मा लगा रखा है उसने, एक सांवले कलर का है, वर्दी में नहीं था, उसके शूज पैंट और शूज, उसके शूज हैं तो वो वर्दी, वो जो पुलिस वाले जो नॉर्मल जो ड्रेस पहनते हैं वही है, बाकी शर्ट वगैरह ऐसी कुछ नहीं, बाकी ब्लैक जैकेट है, कोट जो अपन नॉर्मल पहनते हैं। व्यापारी जगमोहन का कहना है कि जब वो सुबह पानीपत पहुंचा तो सेठी चौक पर दो युवकों ने खुद को पुलिस बताते हुए उसका बैग चेक किया और 1,00,000 से अधिक रुपए लेकर फरार हो गए। वो जयपुर का व्यापारी था, वो यहाँ सुबह माल बस अड्डे से उतर कर यहाँ आया था, दो आदमी फुटेज के हिसाब से दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने उसकी चेकिंग वैसे उसको बुलाकर बैग से 1,10,000 निकाल लिए, हम उसकी जांच कर रहे हैं। सर ये आज दिन मिल गई यहाँ पर लूटपाट ऐसी व्यापारी का? ये लूटपाट तो फुटेज आपने भी देखी है, लूटपाट नहीं कह सकते, सभी आदमी भी हैं यहाँ, सारी बात है, उसको कौन सी बातों में देखते हैं ये भी नहीं समझ पा रहे, फिर भी जांच कर रहे हैं, लूटपाट हो इधर कार्रवाई कर रहे हैं। इंडिया एक्सप्रेस के लिए पानीपत से परवीन भारद्वाज की रिपोर्ट।